हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से ये डेनिम की कुर्ती पे एक बहुत खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का वीडियो लाए हैं। अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कुर्ती को इस तरह से बिछा लिया है और उसके बाद हम उस पर छोटे छोटे से स्क्वायर्स बना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये स्क्वायर्स बना रहे हैं। इसका नेक लाइन जिस हिसाब से था, हमें उसी हिसाब से इस पर इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करना है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कुर्ती है वो आगे से थोड़ा सा इस तरह से सीधा जाना है और ये यहाँ बटन पट्टी है और फिर घूम के दूसरी तरफ तक लेके आएंगे ऐसी लाइन। ये देखिए, हमने इस तरह से कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर पूरे में ऐसे ही हमने कर लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने गले की तरफ पे दो बड़े स्क्वायर और दो हमने यहाँ पे गोल निशान बनाए हैं। ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे और जो छोटा फूल होता है वो बनाएंगे अपना। इसके बाद हम बीचों बीच में एक ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी थोड़ी दूर पर लगभग 1.5 इंच दूर हमने मेन से लगाई है। ये देखिए, सीधी लाइन खींच ली है। यहाँ पे भी हम छोटे छोटे से स्क्वायर्स बना लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर भी हम सिंधी कढ़ाई यूज़ करेंगे या कच्छ एम्ब्रॉयडरी यूज़ करेंगे इस तरह से। तो दोनों लाइन हमने की है, ये बराबर लंबाई की हमने रखी है। अब इस जो ये लाइन खींची, इसके थोड़ी सी नीचे हम एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हम फ्लावर जैसा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने चार खानों में से बांट लिया है। इसी तरह यहाँ पर दूसरी साइड भी हम करेंगे स्क्वायर, छोटे वाले और बड़ा वाला बना लेंगे। दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर भी दोनों साइड बीच में भी दो डॉटेड लाइन खींच ली है। हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एंकर का थ्रेड होता है वो यहाँ पे यूज़ किया है ऑरेंज कलर का। और उसके बाद ये देखिए, 4 थ्रेड्स हमने एक साथ लिए हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये 4 थ्रेड्स हैं जिनको हमने एक साथ ले लिया है यहाँ, और हम इनसे एम्ब्रॉयडरी करेंगे इन 4 की मदद से। तो हमने एक तरफ नॉट लगा ली। अब सबसे पहले जो सीधी लाइन हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने कॉर्नर से इस तरह से स्टार्ट करेंगे। नीचे एक स्टिच लेंगे, फिर यहाँ लेंगे। यहाँ जब स्टिच लेंगे तो दोनों ही तरफ हमें उठाना है, यानी इस धागे के नीचे से हमने इस तरह से सुई निकाल ली। अब इस लाइन को दोनों तरफ से दबाना है, तो ऊपर जस्ट चले गए यूँ। फिर से हमने नीचे धागे के निकाला, यानी ये समझ लीजिए जो ऊपर की तरफ हम जब जितनी बार बनाएंगे उतनी बार हम नीचे से धागे को निकाल लेंगे, और जितनी बार नीचे से बनाएंगे उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए, ऊपर से किया और इसके नीचे से धागा निकाल लिया। नीचे से नीचे लाइन पे किया, कुछ नहीं किया हमने, ऊपर किया तो हमने इस तरह से नीचे से धागा निकाल लिया। पूरी लाइन में हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे से ऊपर से किया तो नीचे से निकाल लिया, नीचे किया तो कुछ नहीं। पूरी लाइन हमें ऐसे ही करनी है। याद रखना है हमें कि एक साइड से हमें जब करना है तो इस तरह से नीचे से करके निकालना भी है। ये देखिए, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ से करेंगे तो इसके नीचे से निकाल लेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे। बहुत ही आसानी से हम समझा रहे हैं आपको इस तरह से। अब यहाँ पर आकर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखिए, इसमें ये ऊपर ही है तो ऐसे ही रखते हुए हमने यहाँ पर ऐसे किया यूँ। अब एक तरफ से ये उठा है तो इस तरफ से ये दबेगा। अब इसको इस तरह से करा, ये याद रखिए, सिंधी कढ़ाई में जो दबे हुए धागे होते हैं उन्हें हमेशा उठाया जाता है। तो ये दबा हुआ है दोनों तरफ से, इसके नीचे से इस तरह से सुई निकालेंगे, यहाँ पे एक स्टिच बनाएंगे। अब देखिए, ये धागा यहाँ पर दबे हुए हैं तो हम इसके नीचे से निकालेंगे। अब जस्ट इसको ऐसे ही ले लेंगे, फिर ये दबे हुए धागे के नीचे से निकालेंगे, यहाँ पर एक स्टिच लेंगे और इस धागे के नीचे से निकालेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ही स्टिच ले लेंगे, इसके नीचे से निकालेंगे। इस तरह से पूरे में करेंगे हम, एंड तक हम आ गए हैं। अब एंड में देखिए, इस जगह पे पहुँच गए हैं हम। तो अब इस धागे में आप देखिए, ये यहाँ से उठा है तो अब हम इस धागे को, दबे हुए धागे को इस तरह से उठाएंगे और इसके नीचे से करके इस तरह से बना लेंगे। अब हमारी 2 लाइन पूरी हो गई हैं। अब इसको 4 लाइन में पूरा किया जाता है, यानी अभी आधा और पूरा हुआ। ये देखिए, इस तरह से किया हमने यहाँ से, फिर यहाँ पे एक छोटी सी स्टिच ले जो थी उसमें से हमने इस तरह से धागा फंसाया, लूप के बीच में से यूँ निकालेंगे यहाँ पे से।
ध्यान से, जो बताने में हो सकता है आपको समझ ना आए लेकिन आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। हम आराम से धीरे धीरे समझा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और इस स्टिच की मदद से आप अपने मन चाहे स्टाइल से अपनी कुर्ती को सजा सकती हैं। तो ये हो गया। इस तरह से पूरे में हम करते जाएंगे। सिंधी कढ़ाई में बस थोड़ा सा याद रखने का होता है कि आपको जितने भी धागे दबे हुए हैं वो आपको उठा देने हैं और उठे हुए धागों को दबाना है, तो वो याद रखिए। और इस तरह से आपको पूरे में करना है। या देखिए, हमने एक तरफ से पूरे में कर दिया है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा डार्क किया है, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ से करेंगे और ये जो लूप बना इसके बीच में से यूँ निकाला हमने, फिर इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। अभी देखिए, अब हमें बीचों बीच में धागे, पहला ये दबा हुआ धागा उठाना है और तीसरा जो दबा हुआ धागा है, फर्स्ट और थर्ड धागे को हमें उठाना है। इस पूरी रो में हमें ये करना है, फर्स्ट और थर्ड धागे को उठाना है। यहाँ लूप में से इस तरह से निकाला, फिर इधर से लिया और अब पहला और तीसरा धागा उठाना है। पहला धागा बहुत दबा हुआ है वो उठाया हमने, ये तीसरा धागा। यहाँ पे टोटल चार धागे दिखते हैं जिसमें से पहला और तीसरा धागा हम दबाते जाएंगे और इस तरह से हम पूरा करते जाएंगे। आसान ही है। इस तरह से चौथी रो है, यानी पहले हमने आधा जाल बनाया, फिर पूरा जाल किया, फिर उस पूरे जाल को आधा भरा, फिर इस तरह से पूरा भरते जा रहे हैं। पूरा भरते में हम पहला और तीसरा उठा के इस तरह से कर रहे हैं। एंड तक हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से जितनी भी लाइनें यहाँ पर हैं इस कुर्ते में, वो ऐसे ही हमने बनाई है। जो बीच की लाइन थोड़ी मुड़ी हुई है उसको हम दो भागों में बना लेंगे। तो ये एंड तक आ गया। अब एंड कैसे करना है वो देखिए, ये हमने यहाँ से निकाला, यहाँ पर गए जैसे नॉर्मली कर रहे थे। अब पहला और तीसरा जैसे नॉर्मली उठा रहे थे वैसे ही करना है। एंड में क्या करना है वो देखिए, यहाँ लास्ट वाली स्टिच में इसे इस तरह से लेना है और फिर जहाँ से फर्स्ट धागा निकला था वहीं पे ही हम लास्ट धागा इंसर्ट कर देंगे। तो हमारी ये लाइन पूरी। अभी ये लाइन सब इसी तरह ही बनाएंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो इसे दो भागों में बनाने, यहाँ तक बनाएंगे एक बार और एक बार नीचे का। तो इसी तरह से हम सेम ऐसे ही बना लेंगे सारे लाइन्स को, जितनी भी सिंधी कढ़ाई की। यहाँ तक बनाने के बाद ये वाली दूसरे अलग से बना देंगे और दूसरी तरफ की फिर से ऐसे ही करना है हमें, सारी लाइन्स ऐसे बना। तो इसके बाद हम एक और स्टिच यहाँ पे यूज़ करेंगे, फर्न स्टिच है, यहाँ से हमने निकाला। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान और सुंदर स्टिच है। अब यहाँ पर इंसर्ट करके एक साइड से, थोड़ा साइड से यू करके ऊपर ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने येलो धागा फोर स्ट्रैंड्स लिए हैं। अब फिर देखिए दूसरी साइड में ही उतनी दूर पर जाकर ऐसे करके एंड में से इस तरह से निकालना है। ये देखिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ के इंसर्ट करेंगे और फिर एक साइड से यूँ निकालेंगे, फिर दूसरी साइड से जाकर हमें टॉप पे से यूँ निकालना है। यूँ पूरी इस रो को हम इस तरह से बनाएंगे। तो आपने देखा, दो सिंधी कढ़ाई के बीच में ये रो एक आएगी, दोनों ही तरफ ऐसे ही बनेंगे। बहुत ही आसान है और देखिए कितनी आसानी से बढ़िया सा लुक देगी ये इसमें एंड में। फिर इस तरह से गए, एक साइड से यूँ निकाला, दूसरी साइड से उतनी ही दूर पे से निकाल कर टॉप पे से यूँ धागा इस पे करते हुए पुल किया। इसी तरह से पूरी रो हम पूरी करेंगे। ये देखिए, हमने सिंधी कढ़ाई और ये वाली लाइन पूरी कर दी। अब हमने छोटे छोटे सितारे लेंगे और फैब्रिक ग्लू की मदद से जो बाहर की तरफ हमने रो बनाई है उस पर हम स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे, जितनी दूरी पे आपको रखना है उस हिसाब से रखिए और यहाँ पर स्टिक कर दीजिए। तो ये ऐसे ही स्टिक कर देंगे, इस तरह पूरे में लगा देना। ये अपने दूरी इसकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी सितारों की दोनों तरफ करेंगे हम ये।
अब यहाँ पर भी हमने जो गोल वाला दो जगह पे बनाया था वहाँ पे हम ये स्टिक कर देंगे। और उसके बाद हम कैसे इसके ऊपर करेंगे इस कढ़ाई वो आपको दिखाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर हम सिंधी कढ़ाई बाद में करेंगे। तो पहले देखिए हमने यहाँ पर 4 स्ट्रैंड्स धागा लिया है। अब हम यहाँ पे सितारे पे देखिए क्या करेंगे। किसी भी एक जगह से हम सुई को इस तरह से ऊपर ले लेंगे, फिर जस्ट इसके सामने एक छोटी सी स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये हो गई। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से धागे कर सकते हैं। यहाँ हमने 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं जैसे हमने आपको दिखाया है। तो और उसके बाद इसके भी सामने इस तरह से, यानी चारों कोने पे हम इस तरह से छोटा छोटा सा स्टिच बनाने वाले हैं। ये हो गया। अब इसमें और चौथे कोने पे जाएंगे, ये हो गया यहाँ पे भी। और फिर से जहाँ पे पहला वाला किया था वहीं पे जाके एक छोटा सा स्टिच इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए ये चार कोनों पे हमारे पास इस तरह से हो गया। अब जहाँ पे है उससे इस तरफ, यानी अभी जो दो स्टिचेस हमने पहले ली हैं उनके बीच में भी अब हमें स्टिचेस लेनी है, जिससे कि पूरा अच्छे से गोलाई में भर जाएगा हमारा ये जो सितारा है। इसके बाद हम फर्दर इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से बनाएंगे मिरर वर्क। देखिए तो ये हो गया इस तरह से। अब एंड वहीं करेंगे जहाँ पे शुरुआत थी, उससे पास में इस तरह से देखिए छोटी सी स्टिच ले ली हमने। अब खास है जो देखने की बात, वो देखिए हम कैसे अब इसे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूं करके हमने लिया धागा, धागे को उस तरफ को किया हुआ है और यूं देखिए एक छोटी सी स्टिच ले ली हमने। अब यहाँ से लेंगे यूं और इस धागे को इसके ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे जैसे कि लेजी डेजी बनाते हैं हम यूं। फिर यहाँ से लेंगे धागे को ऊपर की तरफ ही रखा है हमने, ये देखिए। अब जो पहली लेजी डेजी बनी है इसके बीचों बीच से ऐसे लेंगे, थोड़ी दूर पे निकालेंगे और फिर से वैसे ही करेंगे। ये हो गया। फिर इधर से लेंगे, पूरे सर्कल में हमें ऐसे ही इसको पूरा घेर लेना है अपने मिरर को। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा चमक चमक भी नहीं लगता है, क्योंकि मिरर वर्क कभी कभी किसी को बहुत भड़कीला चमकाऊ सा लगता है, तो वो भी नहीं यहाँ पे लगता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में दो सब तरफ यूँ धागा हमने लगाया हुआ है। तो वैसे ही हम पूरे में कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये स्टिच और बहुत ही जल्दी से बन जाता है, क्योंकि आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत लास्ट पे बनेगा और कितनी जल्दी बन रहा है। इसी तरह से पूरे में करते जाएंगे। ये देखिए लेजी डेजी की तरह कर रहे हैं हम, पूरे सर्किल में ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इधर से निकाल लेंगे, फिर पूरे में देखिए एंड कैसे करेंगे वो भी बात है। ये देखिए बहुत आराम से और कितनी सफाई से हुए हो जाएगा किसी से भी। इसमें बाहर की तरफ चोटी जैसा बनता जाता है और अंदर पूरा मिरर भी अच्छे से सिक्योर रहता है। ये देखिए एंड में जाके वहाँ तक किया, एक बार और कर देंगे और फिर यहाँ पे एक छोटी सी लेंगे। ये देखिए अब जहाँ पे पहला वाला हमने लेजी डेजी बनाया था वहीं पर ही हम ये इंसर्ट कर देंगे बीचों बीच में। ये देखिए इस तरह से एक हो गया, सारे ऐसे ही पूरे कर देंगे। ये देखिए हमने हर तरफ ये पूरा कर लिया। अब यहाँ पे हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं, ये हमने 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं अपनी सुई में और देखिए जो नीचे वाला चेक है उसके पास से हमने इस तरह से अपनी सुई को निकाला, फिर इस चेक की ओर गए
एक छोटा सा स्टिच किया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच किया। ये जाल ज़रा सा आप ध्यान से देखिएगा, फिर जो लेफ़्ट साइड में था उसकी तरफ गए और यहाँ पे जहाँ पे चेक्स कट कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच लिया, फिर यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा स्टिच लिया, अब देखिए जो ये वाला धागा दिख रहा है ये इधर से दबा है तो इसके नीचे से हम निकाल लेंगे धागे को, यूँ सिर्फ धागे के नीचे से, फिर यहाँ पर दो स्क्वायर्स के बीच में यहाँ पे छोटा सा स्टिच लेंगे, फिर इस तरफ, इधर ले लेंगे स्टिच। अब देखिए जो धागा दिख रहा है ये देखिए दबा है तो इसके नीचे से ऐसे हम सुई को निकाल लेंगे और जो चौथा कॉर्नर है उसको भी हम इस एकदम उसी के पास में हमने छोटी सी स्टिच ली है यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ पर एकदम जुड़ता हुआ से ले लेंगे एक स्टिच ये। अब देखिए हमारे पास यहाँ हम दूसरा धागा जो है ये दबा हुआ है और लास्ट धागा, जब हम सीधी लाइन बनाते हैं तो पहला और तीसरा उठाते हैं और यहाँ हमने दूसरा और चौथा उठाया और देखिए कैसे एक छोटा सा स्टिच यूँ बना लिया, ये हो गया इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ से लेंगे, अब आप देखिए भरेंगे हम कैसे, धागा बीच में अगर एंड हो जाए तो हम उसको कैसे करेंगे वो भी हम आपको यहीं पर ही बताएंगे। तो ये हमने इसके नीचे से निकाल लिया यूँ, फिर यहाँ पर जैसे अभी सीधी लाइन में किया था वैसे ही यहाँ से लिया, एक लूप बनाया उस लूप में से यहाँ से धागा ले लिया, यूँ हो गया, फिर यहाँ पर से छोटा सा एक स्टिच लिया, यहाँ जो छोटा सा लूप है यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस रहता है लेकिन आपको एक अंदाज होना चाहिए कि यहाँ पर है तो वो हमने ले लिया। फिर आप ध्यान दीजिएगा देखिए इस धागे के नीचे से हमने यहाँ सुई लिया है, सिर्फ धागे के नीचे से है कपड़े में नहीं है, फिर इस धागे के नीचे से, अब ये राइट साइड वाला अगली बार भर रहे हैं, जब हमने जाल बनाया था तो लेफ्ट कोने पे गए थे और जब हम भर रहे हैं तो राइट कोने को भर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से एक हुआ, फिर ये देखिए उसे खींच ले रहे हैं, यहाँ एक लूप जो बन गया उसको हम उसमें से ही सुई निकाल रहे हैं, फिर तीसरा वाला जो है वहाँ पर कर रहे हैं, हर पत्ती में तीन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम फिर से पहला और तीसरा, तीसरा थोड़ा सा इसमें छुपा हुआ होता है, सेम वैसे ही हम भर रहे हैं जैसे कि हमने सीधी किया था, तो वो देखिए तीसरा थोड़ा सा छुपा होता है, थोड़ा सा हम लोग को दबे हुए धागे को यूँ उठाना है, ये तीसरा है, पहला और तीसरा धागा यूँ उठा लिया हमने, फिर यहाँ इस पहले लूप में से यूँ हमने निकाली सुई, फिर ऊपर वाले में जाएंगे, ये देखिए इस लूप में से हम सुई को निकाल लेंगे और यहाँ अब धागा हमारा ख़त्म होने वाला है तो उसको देखिए कैसे हम मैनेज करते हैं, यहाँ हो गया, फिर सामने ऊपर लूप में से निकाला हमने यूँ, फिर तीसरे कोने पे, अब जब तीसरा करने के बाद हम यहाँ पे पहला उठाएंगे और तीसरा उठाएंगे, ये याद रखिए कि पहला और तीसरा हमें उठाना है। अब तीन कॉर्नर बन चुके हैं, ये इधर एक लूप में से निकाला, चौथा कॉर्नर बनाने जा रहे हैं और धागा हमारा फिनिश होने वाला है, तो देखिएगा कि कैसे मैनेज करते हैं। ये इसके नीचे से निकाल लिया, फिर उसके सामने वाले पे गए नीचे से निकाला, फिर इधर तीसरे कॉर्नर पे गए, अब पहला और तीसरा उठाएंगे, ये पहला उठाया दबा हुआ वाला और तीसरा उठा लिया ये। अब देखिए यहाँ पर एकदम पास में यहाँ पे हम अपनी सुई को यूँ यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे और पीछे देखिए, पीछे का लुक में कतई आपको देखिए धागे की कहीं वेस्टेज है ही नहीं, यहाँ से निकाला और यहाँ पर हम इसे नॉट लगा देंगे, तो हमने नॉट लगा दी, कट कर देंगे धागे को। अब देखिए फाइनल क्या करते हैं, उसी पोजीशन जहाँ से हमने अंदर किया था वहीं से हमने धागे को ऊपर ले लिया है यूँ,
और अब बीचों बीच का जो एक स्क्वायर पोर्शन है, इसमें भी पहला वाला उठाया हमने और तीसरा वाला उठाना है। ये पहला और तीसरा यूं हमने उठा लिया ये, और इसको खींच लिया हमने। अब जो जहाँ से शुरू किया था उस जगह पे पहुँचने के लिए हमें फिर से यहाँ पे पहला और तीसरा उठा लेना है। पहला उठा लिया हमने और ये तीसरा उठा लेंगे। यहाँ बीच में थोड़ा सा दबाव होता है, तीसरा उठा लिया यूँ, और एंड में जो पहला वाला इस लाइन है उसके नीचे से निकाल के जहाँ हमने शुरुआत करी थी वहीं से नीचे लेके गए, और फिर से हम नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन पूरा हमने इसको इसी तरह से कुछ स्टिचेस से पूरा किया है। फाइनल लुक अब आपको दिखाते हैं, ये है फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ दो कलर के ये छोटे फ्लावर बनाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।